हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फिर से एक और मिड कैप स्टॉक की। जैसे मैंने लगातार बताया है, मेरे मुताबिक मार्केट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि इंडेसेस, लार्ज कैप्स सब बहुत अच्छे चल गए हैं पिछले कुछ महीनों में। जो मेन फ्रंटलाइन इंडेसेस हैं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, पर मिड कैप में अभी भी बहुत कम मूवमेंट आई है। और जो गैप है मिड कैप और लार्ज कैप में, वो एक हिस्टोरिकल हाई पे चल रहा है। और जनरली हमने हमेशा देखा है कि जब भी इतनी ज़्यादा वेरिएशन आती है तो ज़रूर एक मीन रिविजन होती है। और मेरे को पूरा यकीन है कि मीन रिविजन यही होगी कि जो मिड कैप है वो भी चलने शुरू होंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझूंगा कि अभी जो ये हालत है मार्केट में, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है क्वालिटी मिड कैप्स को एक्युमुलेट करने में। और आज हम एक और ऐसे मिड कैप के आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिड कैप भी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा है और NBFC है, हाउसिंग फाइनेंस में है। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में इस सेक्टर में भी बहुत स्ट्रेस रहा है, दीवान हाउसिंग और इंडिया बुल्स हाउसिंग को लेकर बहुत टेंशन रही है, बहुत चर्चा में रहा है सेक्टर, और तकरीबन सारे स्टॉक्स में बड़ा अच्छा फॉल आया है। और इसलिए इस सेक्टर के जो अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स हैं, जो क्वालिटी जिनकी अच्छी है, जिनका कि पूरा हमें विश्वास है कि वो उनकी लोन बुक अच्छी है और उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो पक्का निश्चित है, उन स्टॉक्स में जो ये फॉल है वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है। और ऐसे ही एक स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, प्रोमोटेड बाई LIC। इट हैज़ अ वेरी गुड हिस्ट्री, वेरी गुड क्रेडेंशियल्स, और इसमें कोई शक नहीं कि HDFC के बाद ये दूसरा नंबर दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इंडियन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में। इनका बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी कलेक्शन है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट भी है। और क्योंकि पूरी जो मार्केट का कॉम्पिटिशन है वो श्रिंक हुआ है, क्योंकि दो बड़े खिलाड़ी दीवान हाउसिंग तो बिल्कुल ही निकल गया मार्केट से, और इंडिया बुल्स हाउसिंग भी बहुत हद तक उस पर, उसकी बिजनेस पर रोक लगी है, उसके बिजनेस ग्रोथ कटेल हुआ है। तो एक तरह से मार्केट में दो बड़े खिलाड़ी बाहर निकल गए, तो जो मार्केट का ग्रोथ है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग खास करके में बहुत अच्छे से निरंतर ग्रोथ हो रहा है। तो क्योंकि दो अच्छे प्लेयर्स निकल गए हैं, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका मार्केट ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया है। इसके अलावा मार्केट इसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छी अपनी ग्रोथ की है, डिस्पर्समेंट्स में भी, लोन्स में भी। एक टफ टाइम जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में चल रहा था उसमें भी कंपनी का जो प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं समझूंगा कि मार्केट में एक तरह से क्योंकि फॉल आया था पूरे मिड कैप में और NBFC स्पेस में, तो इसको भी बड़ी अनफेयरली करेक्ट कराया गया। और मेरे मुताबिक जैसे ही मार्केट नॉर्मलाइज होती है और NBFC में रिटर्न, NBFC में जो इंटरेस्ट है वापस आएगा, तो ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। जैसे मैंने बताया कि इसकी वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है, ये 1.2 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक तरह से काफ़ी सस्ता वैल्यू है कंसिडरिंग जो इसकी स्ट्रेंथ्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए। और आराम से अगर हम माने कि इसको जब री रेटिंग होगी सेक्टर में दोबारा से, तो 1.7 एक बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है जिस पर ये ट्रेड करना चाहिए, 1.7 टाइम्स बुक। ROE और बाकी पैरामीटर्स के अलावा के अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ROE इसकी 16% है, जो कि बहुत अच्छी है, और बाकी सब पैरामीटर्स में भी ये फाइनेंस कंपनी काफ़ी अच्छी है। इनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कोई ज़्यादा लीवरेज नहीं है, और काफ़ी अच्छे इनके NPS में भी कंट्रोल है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छे रॉबस्ट हैं। सो सब मद्देनज़र रखते हुए एक तरह से काफ़ी अच्छी चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है, 1.2 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू। और जब ये रीरेट होगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये टारगेट हम दे रहे हैं 600 रुपये का, वो एक साल के अंदर आना चाहिए। अब करंट वैल्यू इसकी 440 है, तो 600 रुपया 35% से भी ऊपर अपसाइड है।
और फ्रंटलाइन स्टॉक है इन अ वे, हालांकि मिड कैप सेगमेंट में आता है, पर काफ़ी अच्छा फॉलोड स्टॉक है, काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो आप अच्छे वॉल्यूम भी इसमें ले सकते हैं। सेफ्टी एलिमेंट ज़रूर है क्योंकि LIC प्रमोटर है, तो कोई ऐसा कोई स्ट्रेस का वैल्यू नहीं है इसके अंदर कि कोई कंपनी कहीं प्रमोटर का कोई वैल्यू कोई ऐसा कुछ ना निकले बाहर जिससे कि स्टॉक ख़राब हो जाए। तो प्रमोटर LIC है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होने के कारण हमें एक कॉन्फिडेंस भी है कि कोई आगे चल के कोई खतरा नहीं है। और क्योंकि एक करेक्शन के बाद बड़े अच्छे वैल्यू में मिल रहा है, ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है, सब तरह से फाइनेंशियल पैरामीटर स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत अच्छा सेफ स्टॉक है अभी लेने का। और 35% से भी ऊपर अपसाइड पोटेंशियल है जो एक साल में होना चाहिए, तो बहुत अच्छा मेरे मुताबिक स्टॉक है। आप इसमें ज़रूर निवेश करिए और मैं पूरी आशा रखूँगा कि ये निवेश आपका आपको बहुत अच्छा लाभ देके जाएगा। मेरा YouTube वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।